ऑपोजिशन के नेताओं की मीटिंग है, प्रेसिडेंशियल पोल को लेकर डिस्कशन होनी है, ममता बनर्जी ने बुलाया है, आप लोग वहां जा रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, क्या आप एक कंसेंसियस कैंडिडेट चाहते हैं कि दो एक सर्वसम्मति से कैंडिडेट? नहीं, हमारा देखिए वहां पर कहेंगे हम कुछ बातें, उससे पहले ही करना मुनासिब नहीं है। तो जो चीजें माहौल और सारे अपोजिशन के लोग कितने आते हैं कितने, क्योंकि अब स्टालिन नहीं आ रहे हैं, चंद्रशेखर ने अभी ट्वीट किया है कि वो भी नहीं आ रहा है, तो उद्धव ठाकरे जी नहीं आ रहे हैं और बहुत से बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, और सीपीएम येचुरी साहब शायद वो नहीं आएंगे, सीपीआई के भी कोई बड़े नेता, तो देखेंगे वो माहौल देखेंगे और क्या चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम यूनिटी चाहते हैं और एक ही कैंडिडेट ऐसा हो जो सबको स्वीकार हो, जो एक्सेप्टेबिलिटी पे होगी और जो लोकतंत्र को बचाने के उसमें क्षमता होगी, संविधान को बचाने की उसको रक्षा करने की क्षमता होगी, ऐसे ही एक कैंडिडेट को हम सब लोग ढूंढकर एक होकर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और कांग्रेस के बगैर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोर देन 50% नियरली 50% वोट्स तो कांग्रेस के पास है, तो ये जो है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उस मीटिंग में जाके सब मिल के लड़ने की तैयारी हम जो कर रहे हैं, हम यूनिटी तोड़ना नहीं चाहते।